हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं घर की सिर्फ तीन चीज़ों से बाज़ार में मिलने वाली ठेले वाली आइसक्रीम कुल्फ़ी, जिसे हम बहुत ही आसानी से बना के तैयार करेंगे बिना किसी खर्च, बिना किसी मेहनत के। तो हम जैसा कि बताया आपको कि दूध से बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे दूध निकल रहा है गाय से और इसे हम ले जाके इसी से आज आपको कुल्फ़ी बना के दिखाने वाले हैं। तो इधर मिश्रा जी गाय से दूध निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है दूध। तो दूध को हमने यहाँ पे सिर्फ 2 kg लिया है, क्योंकि अभी हम 2 kg दूध का ही आइसक्रीम बनाने वाले हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा ले लीजिए, कम बनाना हो तो कम ले लीजिए, लेकिन 2 kg से कम क्या बनाएंगे, 2 kg ले ही लीजिएगा आप। इसके बाद गैस ऑन करेंगे, उस पर चढ़ा देंगे पैन या कढ़ाई, कुछ भी ले लीजिए जो थोड़ा सा बड़ा बर्तन हो। और यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध को छान लेंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें आगे भी पकाना है, तो यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है, हम इसे चलाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हाई फ्लेम पे खड़े होकर लगातार चलाते हुए इसे भूनें, या फिर अगर आप चाहें तो लो मीडियम में छोड़ दें। बस क्या होता है कि लो छोड़ने पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और इस तरह से आप खड़े होकर चलाएँगे तो ये लगातार जल्दी से जलता है और बन के जल्दी तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दूध को जलाते हुए आधा कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी और इसे हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। अभी इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से चलाते हुए गाढ़ा कर लीजिए। तो यहाँ पे दूध जो है हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब गैस को ऑफ करके हम इसे उतार लेंगे और उतार करके इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे दूध को हमने 3 हिस्से तक जला के कम किया हुआ है, तो आप उसी हिसाब से बनाइएगा जैसे कि दूध 3 हिस्से तक जल जाए, मलाई थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे इसे हमने चलाते हुए ठंडा कर लिया। आप देख सकते हैं दूध सफ़ेद था और जलने के बाद इसका कलर कितना सुनहरा आया हुआ है। तो जैसे होममेड खोया तैयार होता है गोल्डन ब्राउन, उसी तरह से इसका कलर भी आया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 2 छोटी इलायची को तोड़ करके, जिससे कि बहुत टेस्टी आइसक्रीम बन के तैयार हो। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें नहीं डालना है, बस हमने सिर्फ 3 चीज़ों से बताया था। तो हमने यहाँ पे दूध, चीनी और नारियल के बुरादे का यूज किया हुआ है। अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 चीज़ों से भी बना सकते हैं, नारियल के बुरादे को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डाल दिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। तो इस तरह से आप इसे मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड करें, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है आइसक्रीम बनाने का बर्तन। तो जैसे कि हर किसी के पास हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से गिलास में भी बना सकते हैं, कांच का गिलास हो या पेपर कप जो आता है उसमें भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह से आइसक्रीम का स्टैंड हो, इसमें भी आप बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो अवेलेबल हो उसे बनाइए। तो हमारे पास तो यहाँ पे दोनों चीज़ों है, लेकिन हमने यहाँ पे आपको इस डिब्बे में आइसक्रीम जमा के दिखाना है, क्योंकि हर किसी के पास ये आसानी से मिल जाता है। तो आज हम आइसक्रीम डिब्बे में जमा के दिखाएँगे। तो इस तरह से आप कोई सा भी डिब्बा ले लीजिए जो चौड़े मुँह का हो, और उसमें हम इसे कर देंगे ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे हम सारे आइसक्रीम को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में ओवरनाइट के लिए। और यहाँ पे ओवरनाइट हो चुका था इसे फ्रिज में रखे हुए, तो खोल के हम इसे चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा आइसक्रीम जम के तैयार हो चुका है, हमें जैसा चाहिए था एकदम, है ना, एकदम क्रीमी लुक। तो इस तरह से हमारी आइसक्रीम जो है रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमने आइसक्रीम स्टैंड के लिए ले लिया है कुछ स्टिक्स। तो आपके पास जैसे अवेलेबल हो इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर ये भी नहीं है तो आप चम्मच ले लीजिए, अक्सर सभी के घर में होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले इसे स्टिक को सेट करने के लिए स्टैंड बना देते हैं। तो इस तरह से आप इसे जितना छोटा बड़ा आपको पीसेस रखना है आइसक्रीम के, उस हिसाब से आप इसमें निशान लगा लें। अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो बड़े कर सकते हैं, अपने मनपसंद शेप को आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम इसे रखेंगे थोड़े से समय के लिए
पानी में, जिससे कि इसके किनारे जो है अलग हो जाएं। तो यहाँ पे किनारे अलग हो चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, पानी से बाहर निकाल के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि आप इसे अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं, छोटा या बड़ा। हमने यहाँ पे सिर्फ 4 पीसेस ही इसके किए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसे एक प्लेट की हेल्प से इस तरह से हम इसे पलट देंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा। और इस तरह से थोड़ा सा आप टैप कर दें, देखिए ये देखिए कितना क्रीमी लुक वाला ये हमारा आइसक्रीम बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा छुड़ा लेते हैं, क्योंकि अभी ये है बहुत आपस में चिपका हुआ है। तो इस तरह से छुड़ा लीजिए। इसके बाद क्या करें, आप इसमें स्टैंड को सेट कर दें, लकड़ी से सेट करें या फिर जो भी आपके पास हो, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इसे चम्मच से खा सकते हैं। तो सारे में हम 1 by 1 करके इसमें स्टिक्स को सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने में ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं है, बस आसानी से आप बिना केमिकल के, बिना किसी मशीन के, अगर आप चाहें तो घर के चीज़ों से आप आसानी से आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। और आपने देखा कितना आसान है आइसक्रीम बनाना, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से गर्मी में आप ठंडे ठंडे आइसक्रीम को इंजॉय करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।